गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे सेट्स को पढ़ रहे हैं हम करेंगे आज एप्लीकेशन करेंगे सेट्स से रिलेटेड। बच्चों जब हम एप्लीकेशन करेंगे आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए तो उसके कुछ फार्मूले यूज होंगे हमारे लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड सब हमारे पास। जो लास्ट एक्सरसाइज में जो हम सम करेंगे जो एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चनों के उससे जो रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो हम कर लेते हैं बच्चों। ओके, जैसे फर्स्ट हमारे पास जो यूज होने हैं हमने निकालने सपोज करो बच्चों, क्योंकि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की बात की थी। आज हम देखो आपको बताएंगे कि ए एन इंटू ए यूनियन बी। ओके बच्चों, हमने इसको कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एन इंटू नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, इसको कैसे एक्सपेंड करना बच्चों, यहाँ देखिए सबसे अगर हमारे पास ए एन इंटू ए यूनियन बी इज फाइनाइट, अगर ये हमारे पास फाइनाइट है, अगर हमारे पास ये फाइनाइट है इज फाइनाइट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी और हमारे पास ये एम्प्टी। ओके, यानी कि दोनों में कोई एयर भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ओके बच्चों, यानी कि सेट ए एंड सेट बी डज नॉट कंटेन नो कॉमन पॉइंट। ओके बच्चों, कोई कॉमन पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, इट मीन्स दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। तो इस केस में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी इस टाइप से। ओके बच्चों, और ये हमारे पास क्या है, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, फाइव, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाइव मीन्स के की कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, माइनस यानी कि जीरो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधा लिखेंगे एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी। सेकंड केस क्या है हमारे पास, दूसरे में ही इसी को सोल्व कर लिया है, केस वन और केस टू। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में इफ हमारे पास ये दिया, इफ एन इंटू ए यूनियन बी इज फाइनाइट, ये फाइनाइट ही है। ओके, एंड देखो इज फाइनाइट और ये नॉन एम्प्टी है। ओके बच्चों, ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, एंड क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। ओके, यानी कि ये कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन करता है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ए एंड बी में। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका फार्मूला बनेगा बच्चों, इसको एक्सपेंड करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे एन इंटू ए यूनियन बी को, तो एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फार्मूला बनेगा बच्चों। अगर हमने वेन डायग्राम को समझना है तो आप वेन डायग्राम को ड्रा करके भी वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये यू का यूनिवर्सल सेट है बच्चों, और हमारे पास ये कोई सेट, एक सेट ये है और दूसरा सेट हमारे पास वही है, ये सेट ए मान लिया बच्चों, ये सेट बी मान लिया बच्चों। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन है बच्चों, और हमारे पास ये जो है ना, देखो ये हमारे पास क्या, ओनली एन इंटू ए आपके पास। ओके, ये एन इंटू ए बच्चों, यानी कि ये ओनली ए है, ए रहेगा ओनली ए। ओके बच्चों, एन इंटू ए, ओके एन इंटू ए, हाँ जी ए आपके पास, ये ओनली ए है, यानी कि आप इसको ए माइनस बी लेंगे, सॉरी ए माइनस बी ए ले लेंगे, सॉरी इसके लिए ए तो आपका पूरा कंप्लीट ही है ना, ए में तो कौन भी आते हैं, ये आपका ए माइनस, इसमें से हम देखो ये हम घटा देंगे ए माइनस बी। ओके, ये ए माइनस बी है, इसमें बी वाले नहीं है, और यहाँ पर हमने निकाला है तो ये आपका क्या है, बी माइनस ए है, इसमें ए वाले नहीं है, यानी कि यहाँ पर ओनली ये ए है, ये ओनली ए है बच्चों, ए माइनस बी यहाँ लिखा ना, ए माइनस बी यहाँ लेंगे एन इंटू, और ये एन इंटू यहाँ जो संख्या आएगी, यानी कि ये ओनली ओनली ए, और ये हमारे पास जो है ओनली बी, और यहाँ पर ये है क्या आपका का, ये देखो ये जो बोल्ड है ये डार्क हमने कर दिया, ये क्या है दोनों का कॉमन पोर्शन, तो ये क्या है दोनों की इंटरसेक्शन है, यहाँ पर हम लिख दिया है ये ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन पॉइंट है बच्चों। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर आएंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी, और यहाँ करेंगे माइनस, कॉमन वालों को क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, तो आपकी दोनों की यूनियन निकल जाएगी बच्चों। वेन डायग्राम से देखो यहाँ, ये इसे यहाँ से पता नहीं चलेगा, हम देखो यहाँ इसको अलग करते हैं आपको बताने के लिए। जैसे हमने यहाँ निकालना है एन इंटू ए, यहाँ देखिए एन इंटू ए यूनियन बी, ये यहाँ से क्लियर होगा बच्चों, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, हम यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, हमने क्या करना है, देखो एन इंटू ए हमारे पास यहाँ देखो ये जो दिया है, पहले इसको देखते हैं बच्चों, एन इंटू ए को हमने यहाँ करना पड़ेगा, एन इंटू ए को, हाँ जी यहाँ देखते हैं बच्चों इसको हम कैसे करना है, यहाँ आपको बता रहे हैं, देखो ये कैसे रिजल्ट आया, इसको वेन डायग्राम से बताते हैं बच्चों आपको, ये जो हमने लिखे हैं एन इंटू ए माइनस बी, यानी कि ओनली ए वाला लिखी हमने यहाँ पर बच्चों, प्लस में फिर हमारे पास क्या दिया, ये देखिए यहाँ पर ये एन इंटू हमारे पास है। ओके, ये एन इंटू कॉमन पॉइंट है हमारे पास, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी है बच्चों हमारे पास, उसके बाद क्या दिया प्लस। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ देखेंगे बी माइनस एन इंटू
एन इन टू बी माइनस ए बच्चों हमारे पास ओके। लेकिन इसमें भी क्या है कॉमन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे हाँ, इसके की कॉमन इसके अंदर भी है बच्चों बी की बात है, तो एन इन टू यहाँ लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से आपको लिख लीजिए तो इस तरह से आप लिख लीजिए आप इसको। अब देखो मैंने इसमें इतना ऐड कर दिया है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओके, इसमें नहीं है यहाँ देखो इसमें केवल एक ही बार है, हम क्या करेंगे माइनस देखो इसमें क्या किया ए इंटरसेक्शन बी इसमें इतना ही हमने जोड़ दिया उतना हमने माइनस कर दिया, सेम ए इंटरसेक्शन बी इसमें जोड़ दिया और हमने एक बार जोड़ दिया और एक बार इसको माइनस कर दिया, देखो इसमें हमने जोड़ दिया और एक बार यहाँ माइनस कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे हो बच्चों ये देखो ये किसके इक्वल आपका ये एन इंटू ए आपका ओके बच्चों, ये एन इंटू ए बन जाएगा एन इंटू ए प्लस ये आपका क्या है एन इंटू बी, ये यहाँ तक ये क्या आपका एन इंटू बी और पीछे क्या आपका माइनस यहाँ देखो ये एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब याद है ये बिल्कुल सेम हो जाएगा ओके, ये जो आपका रिजल्ट आया यहाँ देखिए ओके ये बिल्कुल सेम आ गया आपका, ये देखो ये दोनों क्या ये दोनों रिजल्ट बोथ रिजल्ट आर इक्वल ओके। तो ये देखो वेन डायग्राम से भी ये पता चलता है, ये वेन डायग्राम से कैसा है यहाँ से पता चला है वेन डायग्राम से ओके, इस टाइप से पहले मैंने देखो ये लिखा फिर हमने ये लिखा दोनों को प्लस किया, इस दोनों को प्लस किया तो ए बन गया एन इंटू ए बन गया, फिर हमने बच्चों एन इंटू बी लिखा और ये कॉमन वाला भी इसके अंदर है दोनों को प्लस किया ए इंटरसेक्शन बी बी माइनस को तो एन इंटू बी बन गया बच्चों एन इंटू बी बन गया ओके। अब देखो कॉमन वाला जो पोर्शन है ना वो दो बार आपके पास ऐड होगा हमारे पास ठीक है, दो बार ऐड कैसे होगा कि इसमें भी ऐड हुआ है और जब मेरी बी वाला सेट गया तो इसमें भी ऐड होगा, कॉमन वाला इसमें भी ऐड हो गया और कॉमन वाला इसमें भी ऐड हो गया, यानी कॉमन वाले एलिमेंट दो बार ऐड हो गया ए के साथ भी और बी के साथ भी ओके, जबकि कॉमन वाले एलिमेंट केवल एक ही बार ही लिए जाते बच्चों दो बार नहीं लिए जाएंगे ओके, क्योंकि है तो एक ही बार ही दो बार नहीं हो सकते ना, एक ही बार काउंट करना कॉमन वालों को दो बार नहीं, इसलिए दो बार क्या कह रहे मैंने माइनस कर दिया ओके, यहाँ देखो एन इंटू एन से भी माइनस कर दिया एक बार ओके, यहाँ पर दो बार काउंट है ना, दो बार काउंट कैसे यहाँ देखो यहाँ देखो बच्चों एक बार ये काउंट हो रहा है यहाँ देखो यहाँ देखिए और एक बार ये काउंट हो गया, यानी कि एन इंटू ए के साथ भी काउंट हो रहा है ओके और एन इंटू बी के साथ भी आपका काउंट हो रहा है यहाँ पर ओके, तो दो बार काउंट हो गया, दो बार काउंट कॉमन वाले एलिमेंट केवल एक बार ही काउंट होते हैं तो क्या करेंगे इसलिए एक बार उनको माइनस कर देंगे ओके। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है हमारे पास रिजल्ट आएगा कहने का मतलब ये बच्चों कि देयरफॉर एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों ओके। अब अगला रिजल्ट हमारे पास आता है थ्री सेट के अंदर बच्चों, इसी से कंसिडर करेंगे यहाँ से क्या डिस्कशन बच्चों एक मिनट यहाँ से हम नोट करेंगे बात को रिमार्क हम देते हैं कि n इंटू ए जो आपका रिजल्ट है यहाँ से n इंटू ए किसके इक्वल था यहीं से निकल जाएगा रिजल्ट आपका, ये था n इंटू ए माइनस बी प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी और बच्चों b यहाँ देखिए आप ये रहा बी ओके, यहाँ देखो हमने n इंटू बी एन n इंटू बी किसके इक्वल बच्चों n इंटू बी इक्वल है n इंटू बी माइनस ए प्लस में एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओके बच्चों, इस टाइप से इस प्रकार से निकाल लेंगे। और अगर हमने यहाँ से बच्चों निकालना है सपोज करो यहाँ देखो इस लाइन से निकालना है, अगर मैंने एन इंटू ए माइनस बी निकालना बच्चों तो ऊपर की लाइन से निकल जाएगा एन इंटू ए माइनस बी, क्या निकला बच्चों कि एन इंटू ए में से माइनस कर देंगे एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, तो एन इंटू ए माइनस बी एन इंटू ए माइनस बी का मतलब बच्चों ओनली एक एलिमेंट कॉमन वाले नहीं है, कॉमन वाले भी नहीं है ओनली ए के ओके जस्ट ओनली ए यहाँ से, और उसके बाद क्या बच्चों हाँ जी ये रिजल्ट आपका हो गया। दूसरा क्या है यहाँ से मैंने ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए, तो ये आएगा एन इंटू बी में से क्या कटा देंगे कॉमन वाले एलिमेंट कटा देंगे ठीक है ना, ओनली ए में तो क्या कटा देंगे ए में से कॉमन कटा दिया, ओनली बी में से क्या करेंगे बी में से भी कॉमन वाले एलिमेंट घटा देंगे एन इंटू इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ये ओनली बी आ जाएगा ओके। तो इस टाइप से आप ओनली एक एलिमेंट और ओनली बी के एलिमेंट भी निकाल सकते हैं यहीं से ओके। यहाँ पर क्या है ये ओनली बी है ए, ए में क्या कॉमन भी है, ये है ए के एलिमेंट ये बी के और बी ए और बी में क्या कॉमन भी आएगा, ओनली ए और ओनली बी में कॉमन नहीं कॉमन को माइनस कर देंगे बच्चों ओके। तो सारे रिजल्ट यहीं से निकल जाएगा ओके, सब कुछ बिल्कुल आपके इससे याद रखो आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं इसका वेन डायग्राम ये बनेगा बच्चों ओके। तो आप इस टाइप से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं एन इंटू ए यूनियन बी का, एन इंटू यूनियन बी क्या है देखो एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटू ए यहीं से निकाल लेंगे याद रखो एन इंटू यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों यहाँ से ओके, ये हमने स्टार डाल दिया यहाँ से स्टार वाले पॉइंट को देखिए यहाँ से ये क्या है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ये है हमारे पास एन इंटू ए, ये देखिए किसी को एन इंटू ए माइनस बी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी
उसके बाद मैंने निकाला एन टू बी, वो यहां से निकल जाएगा। यहां देखिए बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट प्लस में सेकंड पार्ट, ओके। तो एन इन टू बी माइनस ए प्लस एन इन टू ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और अब यहां देखिए, हमने निकालना ओनली ओनली ए, ओनली ए का मतलब है ए माइनस बी, एन इंटू ए माइनस बी। तो इसका आएगा ए में से कॉमन वाले हमें घटा देंगे, ओनली बी का मतलब बच्चों एन इंटू बी माइनस ए, तो बी में से भी कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे, तो ओनली बी निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने फार्मूला वेन डायग्राम से ड्राइव किया बच्चों। अब हम तीन, अगर हमारे पास तीन सेट दिए बच्चों ए बी सी, तो उसकी यूनियन कैसे निकालते हैं, उसकी भी यूनियन आप देख लीजिए बच्चों। जैसे हमारे पास थ्री सेट है बच्चों, लेट ए बी एंड सी, बी एनी थ्री, बी एनी थ्री फाइनाइट सेट। हमारे पास तीन कोई फाइनाइट सेट है बच्चों, हमने उनकी यूनियन निकालनी है तीनों की, ओके। तो यहां देखेंगे, और इससे पहले हमने जो वेन डायग्राम को बच्चों बताया था ना, वो हम एक छोड़ गए पॉइंट, हमारे पास जो हमने ए माइनस बी ये हमारे पास था, और बी माइनस ए हमारे पास ये था, और तीसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमने तीन चीज़ अब डिस्कस किया पीछे वाले पॉइंट में, हमने क्लीन कर दिया यहाँ से बच्चों। तो ये जो तीनों आपस में क्या है, ये म्यूचुअली क्या आपस में डिजॉइंट, ओके। ये तीनों क्या आपस में, दीज आर, ये सारे क्या आपस में, दीज आर, ये लाइन बताना भूल गए बच्चों की, ये जो हमने अभी मैंने जो वेन डायग्राम का आपको बना के दिखा था, ड्रा किया था, उसमें जो तीन पॉइंट आते ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, आप देख सकते हैं पीछे। तो ये जो तीनों क्या है, इन तीनों में रिलेशन क्या है, कि तीनों क्या है, दीज आर म्यूचुअली, तीनों आपस में क्या है, डिसज्वाइंट है, इनमें कोई भी आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कोई भी दो ले ले, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो दोनों क्या एमपीटी है, ओके। डिसज्वाइंट मीन क्या है, कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। B माइनस ए या A इंटरसेक्शन B, दोनों की इंटरसेक्शन कर लीजिए, दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों की एमपीटी, मीन एमपीटी मीन क्या होता है, फाई, दैट इज में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है तो मतलब क्या, दोनों डिसज्वाइंट है। या फिर फर्स्ट और लास्ट की इंटरसेक्शन कर लीजिए, इनमें भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ये भी एमपीटी है, फाई है, इट मीन क्या, ये भी म्यूचुअली डिसज्वाइंट है। तो ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली, तीनों, इन तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ओके बच्चों। या तीनों की इंटरसेक्शन कर लेंगे, A माइनस B, इंटरसेक्शन B माइनस A, इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन बी, तीनों की भी करेंगे आपस में म्यूचुअली इंटरसेक्शन, तो भी क्या एमपीटी है, में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। मींस क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कंक्लूजन कि ये तीनों क्या है, दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, तीनों ही क्या है, म्यूचुअली म्यूचुअली, दीज आर म्यूचुअली, एम यू टी यू ए डबल एल वाई, ओके, डबल एल वाई, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बच्चों, ओके। अब हम बात करें, अब बात करते हैं यहां पर, हमारे पास था कि ए, लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री फाइनाइट सेट। अब हमने तीन कोई फाइनाइट सेट है, इनकी भी यूनियन ड्रा करनी है। देखो कैसे निकालेंगे, एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों पीछे वाले समय हमने क्या निकालना सीखा था, आपको बताया था एन इंटू ए यूनियन बी, वो तो सिंपल है कि एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने जस्ट क्लियर की बात की है। अब हम बात करें तीन की, ओके। जब तीन में यूनियन है, तीन सेटों में आपस में तीनों में यूनियन है, म्यूचुअली यूनियन दिया बच्चों, तो फिर इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका फार्मूला बनेगा बच्चों हमारे पास एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी प्लस एन इंटू सी बच्चों। उसके बाद क्या आएगा, फिर दो दो के में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे और वो माइनस हो जाएंगे एन इंटू, ओके, दो दो के पेयर में करेंगे बच्चों इंटरसेक्शन। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटू, फिर करेंगे सी इंटरसेक्शन ए, ओके। और लास्ट हमारे पास बच गया कि तीनों की म्यूचुअली इंटरसेक्शन हो जाएगी बच्चों, तीनों की म्यूचुअली इंटरसेक्शन कैसे होगी, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके बच्चों। तो इस टाइप से हमने ये फार्मूला बनाया, इस रिलेटेड हमारे पास अप्लीकेशन दी होगी, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उसमें जहां भी तीन सेट यूज होंगे तो उसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, वहां पर हमने इसको क्या आगे इसको आपने इसको रिमेंबर करना है, याद रखना बच्चों, ओके। इट मस्ट बी रिमेंबर फॉर एवरी स्टूडेंट्स, ओके बच्चों। अब हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसको क्लियर करने के लिए, जहां पर ये हमने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं दो तीन, अब ये क्या है, यूज होंगे, ये अप्लीकेबल होंगे हमारे पास, ओके बच्चों। तो नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर वन।
बच्चों देखो क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारे पास दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स एंड यू क्या बच्चों यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों सभी सेटों का क्या होता है, सभी जो सबसेट होते हैं वो उसके अंदर क्या सबसेट होते हैं वो कंटेन होते हैं, यानी कि यू इज द लार्जर सेट ओके ऑफ ऑल द सेट्स सच दैट कंडीशन क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है वो दिया हमारे पास 700, एन इन टू ए दिया 200, एन इन टू बी दिया 300 ओके बच्चों हमारे पास संख्या दिया है, एंड एन इन टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हमारे पास 100, तो फाइंड एन इन टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बच्चों ए डैश मीन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इंटरसेक्शन बी डैश मीन बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा मेंशन कर देता हूँ बच्चों। जैसे हमने निकालना एन इन टू ए, हाँ जी ए डैश, और हमारे पास दिया है इंटरसेक्शन बी डैश, इसी से रिलेटेड लेते हैं। देखो बच्चों इसका क्या है, अगर मैं एन इन टू ए यूनियन बी इस सारे पे डैश डाली बच्चों, यहाँ से डैश डाली, यहाँ से भी हमने पूरे यूनिट पे डैश डाल दिया ओके, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। जब मैं पूरे पे डैश डालूंगा कंप्लीट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो बच्चों यहाँ पर सिंबल इंटरसेक्शन की बजाय यूनिट लग जाएगा ओके। अब मैंने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो कॉम्प्लीमेंट देखो बच्चों, जिसे मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, यू में से ए माइनस करते थे बच्चों ओके। तो इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो यू में से, यू क्या होता है यूनिवर्सल सेट, एन इन टू यू में से, एन इन टू यू में से एन इन टू, हाँ जी किसको रिमूव कर दूँ बच्चों, माइनस कर दूंगा ए यूनियन बी को माइनस करेंगे ओके, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम आपको बता रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए अब हमने क्या निकालना बच्चों, हमने निकालना है एन इन टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बच्चों इसको कैसे लेंगे, वहां देखिए जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है, एन इन टू इसको किस रूप में लिखा जाएगा ओके, हम इसको लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एन इन टू, हाँ जी ए यूनियन बी, वो सारा क्या हो जाएगा डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी ओके बच्चों। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कॉम्प्लीमेंट हटाना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे हटता है किसी भी सेट का, कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर लीजिए तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वहाँ से बच्चों। तो एन इन टू यू हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में, एन इन टू यू, यू क्या होता है यूनिवर्सल सेट बच्चों ओके, जो सबसे बड़ा सेट होता है हमारे पास, और बाकी सेट क्या होते हैं उसके सबसेट होते हैं, हाँ जी माइनस क्या करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट है जिस सेट का, तो किसका कॉम्प्लीमेंट है एन इन टू ए यूनियन बी का, हाँ जी बच्चों हमारे पास ये दिया है। तो हम देखो यहाँ इसको हमने निकालना है एन इन टू यू, अब आप देख रहे हैं एन इन टू यू तो मेरे पास दिया है 700, लेकिन एन इन टू ए यूनियन बी स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो फिर क्या करें इसके लिए, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। फार्मूला क्या था बच्चों, हमने पीछे आपको बताया था अभी फार्मूला में, तो इसका फार्मूला बनता है एन इन टू ए प्लस एन इन टू बी माइनस एन इन टू ए इंटरसेक्शन बी ओके बच्चों, हाँ जी। तो वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे स्टेटमेंट में देख के, इसमें क्या दिया, ये दिया है एन इंटू यू दिया है 700 माइनस बच्चों हमारे पास एन इंटू ए ऊपर देखिए क्या दिया है 200, एन इंटू बी क्या दिया बच्चों, बी में सेटों की संख्या दे रखी है हमारे पास, बी सेट की संख्या दे रखी है टू, हाँ जी बी की 300 दिया, क्या दिया 300, और इंटरसेक्शन में दिया बच्चों हमारे पास ऊपर देख लीजिए 100 दिया बच्चों, क्या दिया 100। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइड वी गेट द रिजल्ट, हाँ जी इसको कर लीजिए 500 में से 100 का तो 400 और 700 में से 400 का तो 300 ओके बच्चों, तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा, इस टाइप से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ओके। तो हमारा फर्स्ट सम है, अब हम निकालते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में क्या बच्चों, सेकंड सम में हमने सिर्फ ये बतानी है कि जो हमारे पास डाटा है, जो स्टेटमेंट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ओके, इनकरेक्ट मीन होता है नॉट करेक्ट, हाँ जी क्या दिया स्टेटमेंट में, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड ओके, बस कि हमारे पास जो फुल जो ओनर है ओके, जिन्होंने कार को इन्वेस्ट किया है ओके, जो स्वामी है कारों के, कितने हमारे पास 500 यहाँ पर 400 ओनर कार ए, जो 400 जो के पास कार ए है ओके, जो स्वामी, तो जो स्वामी होते हैं ओनर, यानी कि ओनर जिन्होंने परचेज किया गाड़ी के पास कार ए, और 200 ओन्ड मेरे को क्या है ओन्ड ओके, वो क्या है 200 ओन कार बी, जिनके पास कार बी है, और 50 ओन बोथ कार ए एंड कार बी, और जो 50% ऐसे हैं, 50 लोग पीपल ऐसे हैं जिनके पास कार ए और कार बी है, इज दिस डाटा करेक्ट, क्या यह डाटा करेक्ट है, कल नहीं बताना बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो आउटो की बात करता है, आउटो का मतलब कहता है ये यूनिवर्सल सेट है ओके, कि इसमें से टोटल हमारे पास संख्या क्या है आउटो ओके, इसमें से हमने निकालना है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इससे बड़ा सेट हमारा
नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है, ये एन इंटू यू दिया बच्चों 500। ओके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यू क्या होता है, यू क्या बच्चों, यू इज अ सेट ऑफ पीपल ओके जो क्या है, हु क्या लेंगे, हु ओनर्स इन्वेस्टेड जो क्या है, जो सभी कार ऑल कार क्या लेंगे ओनर्स क्या लेंगे ऑल कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड। और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास कार ए दिया है, सेट ऑफ क्या पीपल हु ओन्ड कार ए और सेट ऑफ पीपल हु ओन्ड कार बी ओके। तो यहाँ पर एन टू 500 दिया है और एन इन टू ए हमारे पास जो दिया है सेट ऑफ पीपल हु ओन्ड कार ए। ए मीन्स क्या होता है, ए किस का सेट है, ए इज अ सेट ऑफ पीपल हु ओन्ड कार ए। हमारे पास बच्चों कितना दिया, देखिए हमारे पास ये दिया 400 दिया, देखो याद देख रहे हैं आप क्या क्या दिया 400 तो 400 हाँ जी लिखिए आप। उसके बाद क्या है 200 ओन्ड कार बी और बी जो एंड बी मीन्स क्या होता है, बी इज द सेट ऑफ पर्सन, पर्सन क्या होता है पीपल ओके, कि हु क्या लेंगे हु ओन्ड कार बी, जिनके पास क्या है कार बी है। तो वो कितने दिया एन इंटू बी बच्चों मेरे पास दिया है 200 दिया, यहाँ देखिए 200 दिया बच्चों ओके। अब हम निकालेंगे जो दोनों के पास है ए एंड बी ओके, तो एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास दिया 50 दिया बच्चों, क्या दिया 50। अब उसको सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना, इनकी पहले यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब हम निकाले बच्चे यहाँ सोल्व करें सबको, यहाँ देखिए यूनियन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओके बच्चों। तो एन इंटू ए स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया, हाँ जी यहाँ देखो मैंने इसको यहाँ एक प्रकार से रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ये वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया हमारे बच्चों, हमने इसको एक प्रकार से रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लिया है ओके बच्चों, हाँ जी इन फिगर में लिख लिया हमने इसको बच्चों। तो हम एन इंटू ए क्या है, देखो ये दिया 400 वैल्यू पुट कीजिए, एन इंटू बी कितना दिया बच्चों 200 दिया है, कॉमन क्या है ओके ए इंटरसन बी मीन क्या होता है सेट ऑफ पीपल हु ओन्ड कार एंड बी, बोथ है दोनों के पास इंटरसन मतलब बोथ दोनों है ए बी और बी बी है, वो कितना दिया बच्चों दिया 50 दिया हमारे पास ओके। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में, हाँ जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो हमारे पास कितना आएगा ये इसको सोल्व करेंगे तो 550 आएगा ओके, क्या आएगा इसको 550। अब आप एक बात देख रहे हैं बच्चों कि ये 500 जो, अब देखो हमको इस बात का पता बच्चों कि ए और बी दोनों क्या है यूनिवर्सल सेट है, सॉरी ए और बी क्या दो सेट है और यू क्या है यूनिवर्सल सेट होता है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, हमेशा ही इसका सबसेट होता है बच्चों, क्या होता है ए यूनियन बी इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यहां से हमने पता चला यहां से कि एन इंटू ए, हाँ जी एन इंटू ए जो यूनियन बी हमारे पास ये दिया, ये हमारे पास इतना तो देखो ये आएगा, ये होता है हमारे पास सबसेट होता है, ये तो सबसेट बन गया ना, ये कंटेंट हो जाएगा इसमें, ये सब ये देखिए इस टाइप का लिख सकते हैं एन इंटू ए, सॉरी यहाँ एन इंटू यू ये सबसेट बन गया भाई एन इंटू ए यूनियन बी का, यहाँ से सबसेट यानी कि एन इंटू यू हमारे पास ये आया सबसेट, यानी कि एन इंटू एन इंटू यू मीन होता है लेस देन इक्वल टू, ये सबसेट का सिंबल बच्चों, यानी कि तो ये क्या बन गया एन इंटू ए यूनियन बी। लेकिन हमें पता है यार कि आप यहाँ देखो क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कितना दिया है, यहाँ हमारे पास है बच्चों ये दिया 500 लेस देन इक्वल टू ये आया हमारे पास 550। अब याद रखें बट वी नो लेकिन हम जानते हैं कि ए यूनियन बी जो होता है वो सबसेट होता है बच्चों, हाँ जी क्या होता है एन इंटू बी सबसेट होता है यू का, यूनिवर्सल सेट का होता है एन इंटू यू का, यहाँ आप ये यहाँ ये रहेगा, जब एन डालेंगे तो लेस देन इक्वल टू बच्चों ओके, जब आप एन डालेंगे ना तो लेस देन हो जाएगा अदरवाइज सबसेट रहेगा ओके। यहाँ देख डाटा में देखने पता चलता है लेकिन रिजल्ट क्या है, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि एन इंटू ए यूनियन बी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। अब जब मैं यहाँ एन डाल लूँगा, जब मैं एन डाल लूँगा तो यहाँ पर क्या सिंबल हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एन इंटू यू हो जाएगा ओके। अब दोनों में क्या हो रही है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है यहाँ पर क्या ओके, क्या रहे दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ओके, और दोनों को भी बराबर हो नहीं सकते, रिजल्ट हमारे पास ये है ओके। इट मीन्स क्या है, दिया गया रिजल्ट ट्रू नहीं है ओके, देयरफॉर द गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ देखो ये जो रिजल्ट आया ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया, ये जो रिजल्ट आया ये तो अकॉर्डिंग टू द डाटा, ये तो डाटा के अनुसार आया, ये जो रिजल्ट आया डाटा के अनुसार आया ओके। और ये हमारी क्या है, ये हमारी थीम होती है, हमें पता होता है कि ए यूनियन बी इसका यूनिवर्सल का सबसेट होता है, ये थीम होती है हमें ये रिजल्ट ओके, ऑलरेडी हमें पता है इसका, तो क्या होगा ये ट्रू नहीं ओके, इट मीन्स क्या ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कभी भी ए यूनियन बी का सबसेट नहीं हो सकता, तो देयरफॉर द गिवन डाटा इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। अब हम देते हैं नेक्स्ट, हम देते हैं बच्चों को, योर लेते हैं
बच्चों हमारे पास देखो ये क्वेश्चन दिया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास, देखो पढ़ते इसको। फॉर ए सर्टेन टेस्ट ए कैंडिडेट कुड ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट। अब क्या कहता है हमारे पास कोई कैंडिडेट है वो इंग्लिश लेता है या हिंदी लेता है या तो दोनों लेता है, मीन्स इनमें से क्या है बोला कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट नहीं लेता। ओके बच्चों, इनमें से कोई कोई एक जरूर लेता है। ओके बच्चों, आगे दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 500। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब बच्चों कि इनकी यूनियन ए यूनियन बी दोनों इंग्लिश दोनों विषयों की। ओके, यानी कि जो इंग्लिश ऑफर करता है कैंडिडेट और जो हिंदी ऑफर करता है। ओके, दोनों कैंडिडेटों की जो संख्या है यूनियन वो 500 बच्चों। नेक्स्ट कहता है ऑफ होम 350 यानी कि 350 अपीयर्ड इन इंग्लिश, उनमें से बच्चों हमारे पास 350 जो हमारा जो कैंडिडेट है वो इंग्लिश में अपीयर होते हैं, 90 इन बोथ, और बच्चों क्या है 90 जो कैंडिडेट है वो दोनों विषय में होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यूज सेट ऑपरेशन, हमने सेट ऑपरेशन का यूज करके टू शो हमने जो निकालने बच्चों, नंबर वन क्या है कि हाउ मेनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, कि इंग्लिश में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं ओनली ओनली इंग्लिश। ओके, इसमें कॉमन नहीं है, कॉमन वाले को क्या करेंगे उनको माइनस कर देंगे बच्चों। ओके, उसके बाद दिया हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी, हिंदी में क्या कि कॉमन वाले भी आएंगे बच्चों। ओके, थर्ड पार्ट दिया मेरे पास, फाइनल पार्ट जो है हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली, इसमें ओनली हिंदी है, इसमें कॉमन वाला नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे लेट, हाँ जी हमारे पास क्या ए है, ए सेट किन लोगों का है, लेट ए बी द सेट ऑफ द कैंडिडेट, लेट ए बी द सेट ऑफ द कैंडिडेट्स हु ऑफर हिंदी इंग्लिश, पहले इंग्लिश ही बात हो इंग्लिश लेंगे बच्चों। ओके, दूसरा क्या है एंड बी 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 द सेट, वही सेम लाइन लिखी जाएगी बच्चों, कैसे बी द सेट ऑफ द कैंडिडेट हु ऑफर, बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे लेंगे, और यहाँ पर आपने ओनली क्या चेंज करना है इंग्लिश से आपने यार हिंदी लिखना बच्चों। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी, यानी कि द सेट ऑफ कैंडिडेट हु ऑफर इंग्लिश। उसके बाद बच्चों हम यहाँ करेंगे ए, हाँ जी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या बच्चों, ये उन लोगों का सेट है बी द सेट ऑफ द कैंडिडेट हु ऑफर, हाँ जी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों, इसमें दोनों आएंगे, इसमें हमारे पास इंग्लिश भी आएगा हिंदी भी आएगा और बोथ भी। ओके, और बोथ, ओके इसमें सभी शामिल है। ओके, उसके बाद इंटरसेक्शन की बात करें यहाँ बच्चों, हाँ जी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बच्चों कि जो दोनों ऑफर करते हैं। ओके, यहाँ पर डिटो सेम वही लाइन लिखी जाएगी, बार बार लिए एक बार लिखे उसके बाद क्या डैश डैश यहाँ लिखते हैं बच्चों आप, ये किन का हु ऑफर, हु ऑफर बोथ, बोथ कौन कौन से बच्चों इंग्लिश एंड हिंदी। ओके बच्चों, हमारे पास ये आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर निकालेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी क्योंकि हमें यहाँ निकालना है एम इंग्लिश ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश का मतलब है ए माइनस बी, ए माइनस बी किन कैंडिडेटों का सेट है, ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ कैंडिडेट। ओके, हु ऑफर, हु ऑफर क्या ओनली ओनली, हु ऑफर इंग्लिश, इंग्लिश ओनली, पीछे ओनली नहीं बच्चों, और बी माइनस ए एंड बी माइनस ए इज द सेट ऑफ द कैंडिडेट हु इज द सेट ऑफ द कैंडिडेट हु ऑफर, हु ऑफर हिंदी, हिंदी ओनली, हिंदी ओनली। ओके बच्चो, ये है ए माइनस बी, मीन क्या ए माइनस बी का मतलब बच्चों कि इंग्लिश ओनली, और बी माइनस ए का मतलब बच्चों कि हिंदी ओनली। ओके बच्चों, अब देखो हमने ये निकाले हैं, हमने मेन क्या निकालना है, हमने यहाँ पर निकालना है एक तो हमने ये निकालना है बच्चों से एक बी माइनस से हमने निकालना है, हाँ जी, और देखो बी में हमने क्या निकालना है एन इंटू बी निकालना है, एक हमने ये निकालना बच्चों, हम ये तीन चीजें निकालनी है। ओके, एक एन इंटू बी निकालना है, दूसरा एन इंटू ए माइनस बी निकालना है, और तीसरा बी माइनस ए निकालना है। ओके, इनकी संख्या निकालनी है एन इंटू ए माइनस बी, यानी कि इनकी संख्या, अब देखते हैं निकालेंगे वन बाय वन निकालते हैं बच्चों। अब दिया क्या है, जो गिवन वो भी आप लिख लीजिए, गिवन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट से डाटा क्या हमें प्राप्त होता है, गिवन जो आंकड़े हमारे पास, गिवन डाटा, डाटा क्या गिवन है, यहां देखते हैं बच्चों, डाटा मेरे पास गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब गिवन क्या है एन इंटू ए यूनियन बी, जो कि दिया 500, ये गिवन डाटा मेरे पास, और क्या गिवन है
ऑफ होम 350 अपियर्ड इन इंग्लिश, हाँ जी इंग्लिश में दिया है कि एन इन टू ए, एक एक कैंडिडेटों की संख्या ओके जो अपीयर हुए इंग्लिश के अंदर उनकी संख्या कितनी थी बच्चों 350 यानी कि 350 ओके। उसके बाद क्या है और क्या दिया बच्चों हमारे पास, हाँ जी बी में नहीं दिया है, बी का तो निकालना हमने, हाँ जी और दिया बोथ दिया मेरे पास ओके, जो दोनों में अपीयर हुए हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उसको बोलेंगे एन इन टू ए इंटरसेक्शन बी। एन का मतलब बच्चों उन कैंडिडेटों की संख्या को दर्शाता है, एन का मतलब नंबर, उन कैंडिडेटों की संख्या को शो करता है, एन का मतलब कितना दिया बच्चों 90 ओके ये हमारे पास गिवन ओके। अब रिक्वायर्ड क्या है देखो, ये नीचे है गिवन, रिक्वायर्ड क्या है देखो, ये जो मैंने सर्कल लगाए तीन पॉइंट के ऊपर, एक तो क्या है एन इंटू बी निकालना है ओके, एन इंटू बी का मतलब क्या बच्चों कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन हिंदी, और बच्चों एन इंटू ए माइनस बी, एन इंटू ए माइनस बी का मतलब है बच्चों कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, और एन इंटू बी माइनस ए का मतलब बच्चों नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन हिंदी ओनली ओके बच्चों वन बाय वन निकाल दें इनको। हाँ जी अब यहां से इनको क्लियर करते हैं, देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हम निकालेंगे एन इंटू ए, यहां से निकालते हैं बच्चों एन इंटू ए निकालने का फार्मूला क्या होता है हमने सबसे पहले आपको बताए थे ओके, हमने तीन चार फार्मूले आपको दिखाए थे बच्चों वहीं से एन इंटू ए निकालने का फार्मूला हमने बताया बच्चों एन इंटू ए माइनस बी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फार्मूला आपको बच्चों बताया था। हाँ जी एन इंटू ए देखो नीचे गिवन क्या बच्चों, गिवन एन इंटू ए गिवन है 350 इज इक्वल टू एन इंटू ए माइनस बी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी वो भी गिवन है बच्चों क्या दिया 90 यानी आप 90। हाँ जी बच्चों तो सिंपलीफाई करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे देर फोर हमने क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकलेगा एन इंटू ए माइनस बी यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, कैसे देखो हम 350 भी से माइनस करेंगे 90, हाँ जी जीरो, हाँ जी इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर आएगा 62 यानी कि 260 मेरे पास आएगा 260 बच्चों ओके। ये क्या मेरे पास ये जो एन इंटू यहाँ बच्चों एन इंटू ए माइनस बी ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास है इसको बोलेंगे हु अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली रहेंगे क्योंकि माइनस हो रहा है पर ओके, इज इक्वल टू आंसर क्या 260 मींस दैट 260 ओके बच्चों आपका फर्स्ट निकल गया ए पार्ट निकल गया। अब हम निकालेंगे ये ए पार्ट का आंसर आप बच्चों, अब हम निकालेंगे बी पार्ट, देखो बच्चों बी पार्ट कैसे निकलेगा, बी पार्ट को सोल्व कर लेंगे ओके, यहाँ अगर ये यूज होगा तो यहाँ देख लेते हैं, अगर ये यूज होगा तो कर लेंगे अदरवाइज छोड़ देंगे ओके। अब हमने निकालना है बच्चों हाँ जी क्या निकालना है एन इंटू बी निकालना है, इसके लिए क्या निकालना है बी पार्ट को सोल्व करने के लिए हम एन इंटू ए यून बी निकालेंगे बच्चों, एन इंटू ए यून बी कैसे निकलेगी वो भी हमने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था ये आज का टॉपिक तो बताया था कि कैसे इसका फार्मूला बनेगा एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओके बच्चों। हाँ जी एन इंटू ए क्या गिवन है यहाँ देखिए नीचे गिवन डाटा में, गिवन डाटा में क्या बच्चों 350 प्लस एन इंटू बी तो मैंने फाइंड आउट करना है ना, एन इंटू बी क्या करना है ये फाइंड आउट करना है ओके बच्चों, इसकी वैल्यू है नहीं निकालनी इसकी, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया बच्चों यहाँ देखिए नीचे 90 तो यहाँ 90 लिख लीजिए बच्चों आप ओके, और एन इंटू ए यूनियन बी वो भी गिवन हमारे पास बच्चों स्टार्टिंग में शुरू में दिया पर क्या दिया 500 तो आप भी इसकी वैल्यू आप रख लीजिए ओके, तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू रखी इनकी, अब यहाँ से क्या निकल गया आएगा रिजल्ट एन इंटू बी ओके, एन इंटू बी में क्या था बच्चों कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑफर हु अपीयर्ड इन हिंदी ओके बच्चों ये मतलब है इसका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 हाँ जी यहाँ ये माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से चलो कर लेते हैं ओके जीरो और यहाँ पर आएगा हाँ जी 6 और 2 ये तो हमारे पास 260 था ओके 260 है ओके। अब क्या किया हमने यहाँ से ये देखो ये माइनस ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से फिर इसको ओवर करो माइनस 0 यहाँ से 4 और यहाँ फिर 4 आया आपका ओके बच्चों हाँ जी ओके, तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास 440 देख लेते हैं हाँ जी 0 आया
10 में 6 गए फिर 4 और 4 में 2 गए 20, बिल्कुल राइट आंसर आपका 440। ओके चेक कर लिया हमने। अब उसके बाद लास्ट फाइनल हमारे पास क्या है पार्ट है, हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली। ओके बच्चों हाँ जी हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली, नेक्स्ट पार्ट करते हैं यहां देखो। हाँ बच्चों तो हमारे पास ये एक मिनट बाइक फोर यहाँ फोर बच्चों कर गया मैंने गलती से, यहाँ पर टू आएगा। ओके बच्चों इसके लिए सॉरी। हाँ जी तो अब क्या उसके बाद क्या बच्चों नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, थर्ड पार्ट बच्चों हमने निकालना हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली। तो इसका कैसे निकलेगा सी पार्ट वो निकाल लेते हैं, ये भी सिंपल है बिल्कुल ही। इसका रिजल्ट जो निकालने का जो फार्मूला बनेगा हमारे पास एन इंटू बी, एन इंटू बी क्योंकि मैंने निकालना है इन हिंदी एन इंटू बी यानी कि उसका फार्मूला बनेगा मेरे पास। हाँ जी इसका निकालना है तो फार्मूला आपके पास यहाँ बन रहा है उसको एक मिनट, सीधा ही फार्मूला बन जाएगा इसका तो ओके यहीं से निकल जाएगा एन इंटू ए। अब यहाँ पर ओनली की बात करता है हाउ मेनी इन, देखो यहाँ पर बात करता है ओनली की, ओनली थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं सी पार्ट एन इंटू बी माइनस ए होता है बच्चों इसका मतलब। ओके इसका मतलब करता है ये और इसका रिजल्ट क्या बनेगा एन इंटू बी, हाँ जी माइनस वन यहाँ माइनस एन इंटू बी ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास बनेगा। ओके बच्चों ये मार देखो हमने क्या किया अभी भी हमने निकाला कोई अभी भी निकाला 240 निकाली है इसको। ओके बच्चों तो 240 माइनस ए एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया नीचे गिवन 90 दिया बच्चों, क्या दिया 90, इसको माइनस करेंगे यहाँ देखो। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5 और यहाँ आपका बच गया 1, हाँ जी यहाँ ओके 0 5 और 1 तो 150 आपका आता है आंसर। ओके बच्चों तो इस टाइप से आप सोल्व कर लेंगे बच्चों। ओके अब लेते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों, बच्चों देखिए लास्ट से हमारे पास दिया है ये भी लॉन्ग अच्छा टाइप क्वेश्चन ने इन ए ग्रुप ऑफ क्या दिया 400 पीपल, हमारे पास कितना बच्चों दिया है 400 पीपल है। ओके यूनियन दिया मेरे पास 250 कैन स्पीक इंग्लिश, ओके 250 जो लोग हमारे पास पीपल है वो इंग्लिश बोल सकते हैं ओनली इंग्लिश। ओके यानी कि हिंदी की बात यहाँ पर ओनली इंग्लिश की बात है एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, ओनली हिंदी इसमें इंग्लिश वाले नहीं शामिल नहीं है बच्चों। फाइंड क्या फाइंड आउट करना बच्चों, ये हमारे पास क्या गिवन डाटा है और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड पार्ट हमारे पास तीन पार्ट है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कॉमन जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश और क्या है ये इंग्लिश बोलते हैं। ओके यहाँ पर ओनली नहीं है इंग्लिश, इंग्लिश वाले क्या हिंदी वाले भी कॉमन हो सकते हैं, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी हिंदी बोलने वालों की संख्या इसमें इंग्लिश वाले भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ ओनली शब्द नहीं लिखा हुआ बच्चों। हाँ जी सबसे पहले तो इसका देखो वेन डायग्राम हम करते हैं, ये बिल्कुल जो हमने भी पीछे सम किया है बिल्कुल सेम डिटो उस जैसा बच्चों बिल्कुल सेम, और इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा इसका भी और पिछले वाला सम का दोनों का वेन डायग्राम इकट्ठा पीछे वाले बताने ध्यान रहा वेन डायग्राम भाई दोनों का एक ही सेम डायग्राम है जो कि पहले वाले का भी सम किया और इसका भी एक ही बनेगा। जैसे ये यूनिट सेट होता है ये मेरे पास कोई ए सेट है बच्चों, ये मेरे ये बी सेट है और ये कोई ए सेट है बच्चों। ओके अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ मैं लगाता हूँ एरो के निशान से ये एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ओके ये दोनों का कॉमन पार्ट है बच्चों, ओके दोनों का जो कॉमन हिस्सा है और यहाँ पर जो क्या है इस कॉमन हिस्से को छोड़ दिए ये जो पार्ट है ये ओनली क्या है ओनली ए में होता है कि बी वाला बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। ओके बी वाले को छोड़ दो आप बिल्कुल, बी वाले को जहाँ तक बी वाला इसको घेर रहा है इसको यहाँ देखो ये पर्सन उस स्थान को आप छोड़ दीजिए। ओके इसको हम बोलेंगे एन इंटू यानी कि एन इंटू ए माइनस बी ओनली, यहाँ देखो ये हमारे पास ए है ओनली ए ओनली ए और ये मेरे पास क्या है एन इंटू बी माइनस ए। ओके यानी कि बी माइनस ए का मतलब जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली क्या है बी क्या है बी सेट ले लिया हिंदी का और ए सेट ले लिया इंग्लिश का। ओके ये हिंदी बोलने वालों की संख्या बच्चों और ये इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है, हाँ जी इस प्रकार से। ओके ये ओनली इसका मतलब है ओनली बी, ओके हाँ जी और ये कॉमन हमारे पास दोनों हो गया। चलो अब यहाँ करते हैं तो सबसे पहले गिवन डाटा लिया, यहाँ पर गिवन डाटा क्या है मेरे पास गिवन डाटा, क्योंकि गिवन डाटा की हमें जरूरत होगी बच्चों उसके बगैर क्वेश्चन नहीं निकलेगा। हाँ जी गिवन डाटा क्या है कि यूनियन दिया दोनों की। ओके और सबसे पहले एक मिनट गिवन डाटा से पहले हम ये रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये जो इंग्लिश है ये किन लोगों को बोलने वाला वो सेट है, लेट हम यहाँ लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ओके ओके जो ए जो सेट है और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेट है एंड जो बी जो सेट है बच्चों ओके बी बी द सेट बी विद द सेट ऑफ पीपल हु
हु स्पीक हिंदी, ये हिंदी बोलने वाला सेट लीजिए ओके बच्चों। और हमारे पास क्या है सबसे पहले हम जो हमने जो निकालना है अब a माइनस बी क्या है, हाँ जी ये भी आपको बताते हैं a माइनस बी, a माइनस बी क्या है, ये द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओनली लिखे यहाँ। और b माइनस a ये भी सेट है बच्चों विद अ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी ओनली लिखे क्योंकि माइनस हो रहा है बच्चों ओके इस टाइप से। और कॉमन क्या होता है a इंटरसेक्शन b का मतलब बच्चों ये भी वही सेम लाइन लेंगे यहाँ सेट हु स्पीक क्या लेंगे हु स्पीक बोथ क्या है इंग्लिश भी एंड हिंदी दोनों ओके हिंदी। और बच्चों ए यूनियन बी क्या है ये भी सेट है बच्चों किसका सेट है हु स्पीक इंग्लिश हु स्पीक आइदर ई आई टी एच आर आइदर इंग्लिश। देखो यूनियन का मतलब कहता है ए यूनियन बी का मतलब बच्चों हु देखो इज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ ओके और बोथ इसमें तीन चीज शामिल है बोथ का मतलब बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों ओके ये मतलब है। अब चलो अब रिक्वायर्ड क्या देखो ये तो बात है अब एक और मैं ये निकालना बच्चों सबसे पहले है गिवन हाँ जी गिवन क्या है जो गिवन डाटा है मेरे पास गिवन डाटा बच्चों मेरे पास दिया है हाँ जी 250 400 एन इंटू ये यूनियन को शो करता है बच्चों एन इंटू यूनियन भी दिया 400 और 250 क्या है कैन स्पीक इंग्लिश ओनली ये ओनली ए माइनस बी को शो करता है बच्चों रिप्रेजेंट करता है 250 दिया है और एंड 70 कैन स्पीक अब एन इंटू बी माइनस ए इसका मतलब बच्चों को ओनली हिंदी वो दिन की संख्या दिया 70। अब रिक्वायर्ड क्या है तो गिवन डाटा है रिक्वायर्ड क्या है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ का क्या निकालनी है हमने यूनियन निकाली है क्या निकालनी है हमने यूनियन निकालनी है। अब यूनियन निकालने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे हम एन इंटू ए निकालेंगे बच्चों एक मिनट देखिए एन इंटू ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू ए माइनस बी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ये आपने ये निकाला बच्चों। अब देखिए एन इंटू ए ए माइनस बी गिवन है हाँ जी गिवन है क्या दिया है 250 प्लस इसका भी पता नहीं है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इसका इक्वेशन नंबर वन नाम दे दीजिए आप। दूसरा क्या है दूसरा हम निकाल लेंगे एन इंटू बी निकालेंगे एन इंटू बी निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों एन इंटू बी माइनस ए प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दी है हाँ जी बिल्कुल दी है एन इंटू बी माइनस ए क्या गिवन है देखिए 70 तो यहाँ 70 लिखिए बच्चों प्लस एन इंटू हाँ जी एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये जो गिवन है बच्चों यहाँ देखो ये गिवन ये नंबर वन है और ये नंबर क्या है 2 है दोनों को प्लस करें यहाँ पर ओके दोनों को क्या करें यहाँ प्लस करें यहाँ से और हमारे पास और देखो और भी एन इंटू ए इंटरसेक्शन हाँ जी यहाँ दिया है नहीं दोनों को प्लस कर लेते हैं हमने निकालनी है एन इंटू ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो उसका हमने निकालना बच्चों एन इंटू ए यूनियन बी एन इंटू ए यूनियन निकालने का फार्मूला क्या था बच्चों एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख रहे हैं यूजिंग अब दोनों को क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को देखो तो दोनों की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से ओके दोनों की वैल्यू पुट करेंगे एन इंटू ए यूनियन बी किया गिवन ऊपर देखो ये दिया 400 तो यहाँ का 400 पुट कर लीजिए एन इंटू ए हाँ जी यूजिंग 1 and 2 ये दिया 250 प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी हाँ जी उसके बाद क्या गिवन है प्लस एन इंटू बी की वैल्यू पुट करो बच्चों क्या दिया 70 प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी और पीछे क्या है लास्ट में एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ये तो कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों ओके हमारे पास क्या बचा अभी अब देखो 400 इक्वल टू इनको सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास 0, 2, 3 ओके तो ये आएगा 320 प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इसको ही साइड ले जाइए बच्चों ओके तो ये मेरे पास 400 में से 320 गए तो क्या है 80 एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ये तो निकल गया कॉमन में था हमारे पास हाँ यहाँ देखो हमने कॉमन वाला नहीं निकालना बच्चों
हमने निकालना कोई बात, अभी वो भी निकल जाएगा हमारे पास, ये कॉमन वाला आ गया। अब हमने निकालना क्या, इक्वेशन वन से निकल जाएगा बच्चों, इक्वेशन वन देखो यहाँ, यहाँ देखो इसको क्लीन निकलना भी इसकी में जरूरत पड़ेगी। ओके तो इक्वेशन वन जिसका मैंने नाम दिया था वहां से निकल जाएगा बच्चों एन इंटू ए, एन इंटू ए क्या है 250 प्लस, देखो अभी पहले तो मेरे पास की वैल्यू थी नहीं ना, बिल्कुल नहीं थी, अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है तो एन इंटू ए इंटरचेंज भी यहाँ निकल गया 80, तो यहाँ पर 80 पुट कर दो इक्वेशन वन में आप। ओके अब तो ये कितना सोल्व करेंगे इसको, दोनों को ऐड करेंगे 0 हाँ जी 3 और 3 331 बन गया आपका। तो एन इंटू ए का एन इंटू ए निकालना, हमारे पास कौन सा पार्ट, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका बी पार्ट निकला बच्चों। ओके तो यहाँ लिखे नंबर ऑफ पीपल, हेंस नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप लेंगे 330। ओके बच्चों हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, तो इक्वेशन टू में पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ से बी निकल जाएगा फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से आप निकालेंगे एन इंटू बी, कैसे निकलेगा 70, और ये आपने जस्ट यहाँ निकाला बच्चों, आप इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो यूजिंग थर्ड कर लेंगे, यहाँ भी आप क्या करेंगे प्लस करेंगे 80, तो दोनों प्लस करेंगे आएगा 150, तो ये आपका यहाँ से एन इंटू बी निकल गया। एन इंटू बी का मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, ये मतलब है एन इंटू बी का बच्चों। तीसरा क्या मेरे पास, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, हाँ जी बोथ तुम्हारा निकलेगा तेरा, ये बोथ तो नहीं, ये तो ये निकल गया स्टार्टिंग में। इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड किसको शो करती है, एन इंटू ए इंटरसेंस बी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बच्चों। ओके इस टाइप को आप सोल्व कर लेंगे बच्चों। ओके आज के लिए इतना ही है, जितने मैंने एक शब्द बनाए इससे रिलेटेड जो सब आप अपनी बुक से आप अपने पास से कर सकते हैं बच्चों, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।